उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और एसपी आरएलडी गठबंधन ने अपने अपने उम्मीदवार तो उतार दिए हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस उपचुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला किया है। देश की सबसे पुरानी पार्टी के इस रुख से सियासी गलियारों में ये सवाल उठने लगे हैं कि कैराना उपचुनाव आखिर क्यों नहीं लड़ना चाहती है कांग्रेस, कैराना उपचुनाव से पलायन क्यों करना चाहती है कांग्रेस। दरअसल उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में अपने दमखम को आजमाने के बजाय कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया। कांग्रेस ने ये फैसला बीजेपी को हराने और विपक्षी मतों के बिखराव को रोकने के लिए किया है, यानी कांग्रेस इस सीट पर एसपी और आरएलडी के साझा उम्मीदवार का ही समर्थन करेगी। सियासी जानकार कांग्रेस के इस फैसले को गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों से जोड़कर देख रहे हैं, जहां कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। यही वजह है कि कांग्रेस एक बार फिर से वो गलती नहीं दोहराना चाहती। इस उपचुनाव में ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती जिससे 2019 में बनने वाले संभावित महागठबंधन पर बुरा असर पड़े। हालांकि कांग्रेस अभी तक औपचारिक रूप से इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनी है, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि उसके इस कदम से बीजेपी को टक्कर देने की विपक्ष की कोशिशों को मजबूती मिलेगी। इससे पहले गोरखपुर और फूलपुर में कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ने की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी, जहां एसपी और बीएसपी के गठजोड़ ने न सिर्फ दोनों सीटों पर कब्जा जमाया बल्कि गोरखपुर जैसे बीजेपी के गढ़ में भी सेंध लगाने में कामयाब हो गई। इस अप्रत्याशित जीत ने विपक्ष के खेमे में उम्मीद की किरण पैदा की थी। साथ ही इससे ये संदेश भी चला गया कि अगर विपक्ष एकजुट हो और अपने कार्ड सही से खेलता है तो फिर 2019 में बीजेपी की राहें मुश्किल हो सकती है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस कैराना उपचुनाव से पलायन करने के मूड में है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।